तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं मैं मैंने अभी एक घंटे पहले मौन व्रत लिया है। मैडम कह रही थी ना कि कोई आपके मुंह में रोटी डाल सकता है, चबाना आपको है। मतलब आप इटालियन यूनिफिकेशन का पीडीएफ नहीं मांगना है। जर्मन यूनिफिकेशन समझ में आ गई ना, तो रोटी तो चली गई अंदर। बता देता हूं दोस्तों, न्यूटन फोर्थ लॉ वो कहने वाला ये था कि जो जलेगा बस वही चमकेगा। जितने भी महान लोग हैं, जितने भी, आप हमें कोई एक एक्सेप्शन नहीं बता सकते कि उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया, बिकॉज स्ट्रगल गिव्स स्ट्रेंथ। सबके जीवन में, सर ने अभी अपने बारे में बताया होगा, सर ने बताया होगा, सबने बताया होगा, तो वो एक कॉमन फिनोमेना है। भगवान कहा, और भगवान इसलिए कहा कि आप देखें कि जो भगवान है ना, उस उन्हें भी इस यूनिवर्सल लॉ को मानना पड़ता है। अगर रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर, सबने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट, कई सारी घटनाएं कि जब एस्ट्रोलॉजर था तो देख रहा था, हमारे दोस्त है आनंद भाई, उनके फादर डीएम थे, तो जब वो उनके बेटे का कुंडली देखा तो बहुत कुंडली था, पता नहीं कौन कौन सा गत के श्री यो और अटैच विद योर इंटरेस्ट। आप सबसे एडवाइस कभी मत लें, आप जब भी सबसे एडवाइस लेंगे आप परेशान हो जाएंगे। आप हमेशा उन लोगों से, जैसे हमारा इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से अटैच है, आपकी उपलब्धि हमारी उपलब्धि है। जब आप टॉपर स्टॉक में आएंगे तो आप एडवाइस हमेशा उस आदमी से लें जिनकी इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट से अटैच है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ हमेशा, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, जब तक आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको परेशानी है, पर्सनल परेशानी जो भी, तो आप यहाँ वेलकम है। ये एक बिल्कुल नई चीज है इस इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी चीज है, एंड इट शुड बी अप्रिशिएट।